नवलदे जो थी वो अपने घर अमृत दे करके महाराज परीक्षित के साथ में हस्तनापुर चली गई थी। और देखिए जब हस्तनापुर पहुंची बड़े धूमधाम के साथ में दोनों का विवाह हो गया। और जब विवाह हुआ तो बताया कि पांचों पांडवों ने सोचा कि अब यहाँ का राज्य हमें महाराज परीक्षित को देना चाहिए, हमें हिमालय के लिए चलना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना कलकाल रूप पलने पे था, पाप उदय हो रहा था, पुण्य और रवि ढलने वाले थे, कलयुग भी आने वाला था। जिस समय जब पांचों बाबा हिमालय के लिए चले गए, अब महाराज परीक्षित को वो शासन मिला तो महाराज परीक्षित उस शासन को चला रहे हैं। लेकिन जब शासन चला रहे हैं तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम जंगल में शिकार खेलने जाएं। मैया नवलदे ने बहुत मना किया लेकिन कोई बात नहीं मानी। घोड़ा पर सवार हो गई और घोड़ा पर सवार होकर के जिस समय चले बताया कि सुमिर श्री गंगे सारी दास महेश मनायो और मात पिता को सुमिरन करके देगा हाथ उठाई। घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में चले लेकिन नजर में एक हिरना आया तो उस हिरने के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। किस तरीका से, अरे हिरना देखो चबरा जानी घोड़ा करी दो प्रथम चार ये वो हिरना वो वो हिरना अरे हिरना छुपो बनी में जाए हिरना छुपो जब बन खड़े जब महाराज परीक्षित ने हिरना के पीछे उस घोड़े को दौड़ाया तो क्या देखा, सामने से एक काला कलूटा इंसान हाथ में लाठी लिए गाय और बैल दोनों को मारता हुआ चला रहा था। गाय कौन थी? गाय जो है वो पृथ्वी रूपी गाय है और जो बैल था वो धर्म रूपी बैल था और जो काला कलूटा था वो कलयुग था। अब जैसे ही महाराज परीक्षित ने देखा तो महाराज परीक्षित मन में विचार करने लगे कि कौन है जो गाय बैल दोनों को मारता हुआ चला रहा है। गाय बुरी तरीका से चिल्ला रही थी, गाय रो रही है और एक ही बात कह रही है कि कौन है आज मेरी लाज बचाने का, कौन है आज मेरी लाज बचाने का, मेरी आज आलोक बचाने वाला, कौन है आज मेरी लाज बचाने का। जिस समय गाय बुरी तरीका से चिल्ला रही है, महाराज परीक्षित ने पूछा, बैल से पूछा, तुम कौन हो?
तो सारी बात बताई, मेरा नाम धर्म है। काले कलूटे इंसान से पूछी, जवाब दिया तुम कौन हो भैया, तो उस काले कलूटे इंसान ने जवाब दिया कि मेरा नाम कलयुग है। महाराज परीक्षित तो बोले अच्छा तुम्हारा नाम कलयुग है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे शासन में आ गए। अरे महाराज परीक्षित ने जवाब दिया तुम ये सोच रहे होंगे कि पांचों बाबा हिमालय के लिए चले गए, द्वापर का अंत हो चुका है, तुम ये सोच रहा होगा, लेकिन तुझे नहीं मालूम पारत का अंश अभी भी जीवित है। कलयुग ने जवाब दिया महाराज हम चार भाई थे, सत्ययुग त्रेता द्वापर सबसे छोटा हूँ कलयुग। अगर हमारे अंदर अवगुण है तो अवगुण के साथ साथ गुण भी है, सारी बात बता दी। तुम महाराज परीक्षित तो बोले तुम ऐसा करो, तुम वहां चले जाओ जहां शराब पी जाती हो, मदरा का पान किया जाता हो, ऐसी जगह चले जाओ। और शराब से कोई नुकसान भी नहीं है, जिंदगी में फायदे ही फायदे हैं। क्यों परीक्षित महाराज, फायदा है शराब से कि ना है, बताओ फायदा ना। महाराज परीक्षित कहने लगे जिंदगी में फायदे ही फायदे हैं, तो कलयुग कहने लगा क्या फायदे हैं। तो महाराज परीक्षित ने जवाब दिया पागल हो, अरे पहलो फायदा तो जो है जब पी के घरे जाओ गलियन में कुत्ता बड़ो सम्मान करते हैं। दूसरो एक और फायदा है, कौन सो फायदा है दूसरो जो फायदा है, पी के घरे जाओ तो पत्नी बड़ो अच्छो सम्मान करती डंडा लेके। अब एक और फायदा बताया, जवाब दिया ये तो सबसे बड़ा फायदा है, बोले कौन सा है, तो कहने लगे सबसे बड़ो फायदा जो है जो शराब पीते हो उन्हें बुढ़ापो देख भी ना में तो जवानी भी सीताराम हो जाए। देखिए न जाने इस शराब से कितनी माताएं बहनों का श्रृंगार उजड़ चुका है। और देखिए इस शराब में है तो कुछ नहीं, लेकिन बताया है कि जो हमारे भाई बंधु हैं सबसे झगड़ा कर लेंगे, घर में माँ बाप से झगड़ा कर लेंगे, भैया से झगड़ा कर लेंगे, बहन से झगड़ा कर लेंगे, और यहाँ तक कि रोटी भी खाना छोड़ देंगे, लेकिन शराब को पीना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बताया है कि दारू सबसे प्रेम बड़ा। जात हो हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे जाट कोई भी जात हो, लेकिन देखिए अगर ढोल के ढक्कन होटन पर रख लो पौआ तो सीधो पेट में रुके। और ज्यादातर क्या देखा है, जो भैया बंद दारू पीते हैं और कोई भला इंसान सामने से आ रहा हो, जो दारू नहीं पीता हो वो इंसान अगर आ रहा हो तो दारू पीने वाला इंसान क्या कहता है, भैया आजा तो भूख तू भी मार ले है? अगर वो मना करेगा कि नहीं नहीं भैया हम इसको पान नहीं करते, तो लोग क्या कहते हैं, अपनी दोस्ती की कसम खवाते हैं, कहते हैं तो हमारी दोस्ती की कसम होए तो नेक पी ले। लेकिन दारू सबसे प्रेम बढ़ावे, दारू सबसे प्रेम बढ़ावे, बताया है कि दारू की किसी से लड़ाई नहीं होती है। अब महाराज परीक्षित ने जवाब दिया ऐसी जगह चले जाओ तुम जहाँ
दारू पी जाती हो। कलियुग कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा ऐसी जगह, ऐसी जगह हम नहीं जा सकते। तो महाराज परीक्षित तो बोले तुम वहां चले जाओ जहां माता पिताओं का अनादर होता हो, संतों का अनादर होता हो, ऐसी जगह चले जाओ। अब कलियुग ने एक बात कही कि महाराज हमें ये बताओ अगर मैं ऐसी जगह चला गया तो मेरा परिवार बढ़ेगा तो गुजर कैसे होगी, मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा। तो महाराज परीक्षित तो बोले हम तुम्हें बहुत अच्छी जगह बता रहे हैं। बोले कौन सी? महाराज परीक्षित ने जवाब दिया तुम ऐसी जगह चले जाओ जहां सोने चांदी के भंडार भरे हुए हैं। अब इतनी बात जैसे ही कही तो कलियुग ने महाराज परीक्षित के सिर पे वास कर लिया, क्योंकि महाराज परीक्षित के सिर पे सोने का मुकुट लगा हुआ था। जब सिर पे वास किया, इधर हिरना के पीछे घोड़ा दौड़ाया, हिरना तो नहीं नजर आया, उनको प्यास लगने लगी। महाराज परीक्षित उस जंगल में आवाज लगा रहे हैं, भैया अगर कोई हो तो हमें पानी पिला दो, बहुत तेजी से प्यास लग रही है। लेकिन उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। फिर आवाज लगाई, भैया अरे अगर हमारी आवाज को कोई सुन रहा हो तो हमें पानी पिला दो, बहुत तेजी से प्यास लग रही है। लेकिन उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। आगे बढ़े और थोड़े आगे बढ़ के लोमस ऋषि की कुटिया पर पहुंचे, और जब लोमस ऋषि की कुटिया पर पहुंचे वहां देखा कि महात्मा जी जो थे भगवान के भजन में लीन थे। अब महाराज परीक्षित ने जवाब दिया, बाबा जी ऐसा कीजिए हमें पानी पिला दो, बहुत तेजी से प्यास लग रही है। लेकिन महात्मा जी को कुछ नहीं मालूम कि हमसे कोई पानी मांग रहा है, वो तो भगवान के भजन में लीन थे। फिर आवाज लगाई, अरे बाबा जी तुम्हें सुनाई नहीं देता है, इतनी देर से चिल्ला रहे हैं हमें प्यास लग रही है पानी पिला दो। लेकिन महात्मा जी को कुछ नहीं मालूम। महाराज परीक्षित ने क्या किया, वहां से एक मृतक सर्प उठाया और उठा करके उन महात्मा जी के गले में डाल दिया। और जब महात्मा जी के गले में डाला तो बताया कि वहां से छोटे छोटे बच्चे भागे, और भाग करके महात्मा जी के पुत्र जो श्रृंगी ऋषि थे उनके पास में पहुंच गए। जवाब दिया, भैया तुम्हें कुछ मालूम है? बोले क्या? तो कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम, जो दिल्ली का रहने वाला जो परीक्षित है ना, उन्होंने तुम्हारे पिता के गले में मृतक सर्प डाल दिया है। अब पुत्र ने जिस समय अपने पिता के अपमान को सुना तो होश उड़ गए, रोने लगे, रो करके कहने लगे, ओरे राजा परीक्षित, जिस तक्षक को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, जा हम तुझे श्राप देते हैं कि वही तक्षक श्राप में रोज तुझे डस लेगा। अब जब श्राप दिया, रोते रोते अपने पिता के पास में आ गए। महात्मा जी कहने लगे, बेटा क्यों रो रहे हो? अरे कहीं तुमने परीक्षित को श्राप तो नहीं दे डाला? बोले हाँ। महात्मा जी ने जवाब दिया, बेटा तुम नहीं जानते हो, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, उनके सिर पे कलयुग का वास था इसीलिए उनकी बुद्धि पलट चुकी थी। अब ऐसा कीजिए उन्हें खबर करवा दो कि उन्हें तक्षक डस लेगा। महाराज परीक्षित को यह सूचना पहुंचाई गई तो महाराज परीक्षित आंगन में बैठ गए और आंगन में बैठ करके फूट फूट करके रोने लगे। सोचने लगे हम इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। महाराज परीक्षित आंगन में बैठ करके विचार कर रहे कि कुछ दिन की जिंदगानी फिर यहां से राम जाना है।
जिस समय महाराज परीक्षित आंगन में बैठ करके शोक सागर में डूबे हुए हैं, विचार कर रहे हैं क्या करें। महात्मा संत ऋषियों को बुलाया, सारी बात बताई कि हमारे ऊपर जो बुढ़ापा आ चुका है, बुढ़ापा आने वाला है। अब तो महाराज परीक्षित को बड़ी अमृत भरी कथाएं सुनाई जा रही है। बोली वृंदावन विहारी लाली की जय।